हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। अभी जो मेरी वीडियो है वो वीडियो है क्लास 12th के लिए, चैप्टर फिजिक्स का है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इस पर ऑलरेडी मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ, आज मेरी 4th वीडियो है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन की 4th वीडियो, यानी कि लेक्चर 4 अपन का। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहले मैं आपको अपने आज वाले लेक्चर से, अपने प्रीवियस लेक्चर से कनेक्ट कर देता हूँ, फिर इसको स्टडी करेंगे। देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई जब भी दो चार्ज होते हैं, चाहे फिर वो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या फिर एक पॉजिटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, या फिर एक नेगेटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, जब भी दो चार्ज होते हैं वो आसपास आते हैं तो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अब वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है। हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर अपोजिट चार्ज है, यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। और हमने देखा था कि अगर सेम चार्ज है या लाइक चार्ज है, यानी कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल करेंगे। अगर ये भी नेगेटिव तो भी रिपेल करेंगे। तो यहां तक तो बात ठीक थी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें कि भाई सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन बात आई कितनी फोर्स के साथ। पहला समझ में आया कि दिक्कत क्या आ रही है। हमें इतना तो पता चल गया कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे और एक फोर्स लगाएंगे, ये भी समझ आ गया। लेकिन कितनी फोर्स लगाएंगे, ज्यादा कि कम, आई बात समझ में। दूसरी बात, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, पास आएंगे, कितनी फोर्स लगाएंगे, थोड़ी या ज्यादा। तो मन में डाउट आने लगा कि भैया फोर्स कितनी लगेगी हमें ये बताओ, किस अमाउंट में लगेगी, पहली बात। दूसरा, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चेंज करने पर फोर्स बदल जाएगी, यानी फोर्स किस किस पर डिपेंड करेगी। यानी भैया मास बदल दें तो कुछ हो जाएगा, या चार्ज बदल दें तो कुछ हो जाएगा, मतलब किस किस पर डिपेंड करेगी जो दो चीजों की फोर्स है। पहला तो डाउट ये है कि फोर्स कितनी होगी, ज्यादा कि कम। और दूसरा डाउट ये है कि ऐसा क्या अगर उनमें चेंज हो गया पैरामीटर्स में, या उनके सर्कमस्टांसेस में क्या ऐसा चेंज हो गया जो कि फोर्स पर फर्क डालेगा। तो दो बातें हमें डिस्कस करनी है। तो इन्हीं दो बातों को क्लियर करने के लिए हमारा आता है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। आई थिंक आप लोग कनेक्ट हो गए होंगे मेरे प्रीवियस लेक्चर से आज वाले लेक्चर में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला था कि भैया फोर्स लगती है, आज हम बोलेंगे कितनी लगती है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स हमें बताएगा कि फोर्स कितनी लगती है। तो इन्होंने क्या बोला, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, रिपल्सिव फोर्स होती है, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लग रही होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू मास चार्जेस, यानी जो दो चार्ज हैं उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड का मतलब पता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट चार्ज का, 10 कूलम 20 कूलम 50 कूलम, ये सब क्या है, अमाउंट ऑफ द चार्ज यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो ये हो गया अपन का नंबर वन। देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी Q1 Q2 दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, एक चार्ज है Q1 एक चार्ज है Q2, दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इनका प्रोडक्ट कर दिया। जब इनका प्रोडक्ट कर दिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। ठीक है, दूसरी बात कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जो ये दो चार्ज हैं आपके, इनके बीच में जो डिस्टेंस लग रहा है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी डिस्टेंस होगा इनके बीच का आर, तो उसका पहले स्क्वायर करो, यानी आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और बल्कि क्या बोलो, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि कूलम्स लॉ क्या कहता है। कूलम्स लॉ कहता है देखो भैया फोर्स डिपेंड करेगी मास पे। तो पहला तो डाउट क्लियर हो गया कि फोर्स किस पर, सॉरी मास पर नहीं, फोर्स डिपेंड करेगी चार्ज पे। तो पहला तो डाउट क्लियर हो गया कि भाई क्या ऐसी चीज है जिसमें फोर्स डिपेंड करती है। तो पहली चीज डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर। कैसे डिपेंड करती है कि उनका प्रोडक्ट करो, पहले उनके चार्जेस का मैग्नीट्यूड का क्या करो, प्रोडक्ट करो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के। क्या लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो फोर्स है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उनके जो डिस्टेंस है उन दोनों चार्जेस के बीच में उसके स्क्वायर के। अब अगर कुछ बच्चे ये बोले कि मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग नहीं पता, क्या बोला, एक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मेरे भाई ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे रूल तो समझ आ गया लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही नहीं पता तो हम कैसे इसको पढ़ें, तो देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। इस बात का मीनिंग मेरे भाई ये होता है कि अगर चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, मान लो चार्ज का प्रोडक्ट पहले कुछ है, मान लो एक है 10 कूलम दूसरा है 10 कूलम, चार्ज का प्रोडक्ट कितना है 100 कूलम। अब मान लो एक है 50 कूलम दूसरा है 10 कूलम, एक है 50 कूलम दूसरा है 10 कूलम, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कितना हो गया 500 कूलम, यानी पहले था 100 कूलम अब हो गया 500 कूलम। तो ये वाला जो बात है वो ये कह रहा है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा, यानी जैसे 100 कूलम से 500 कूलम हुआ आपकी फोर्स भी बढ़ेगी, यानी जैसे जैसे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी इंक्रीज होगी। तो हम यहां बोलते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, क्लियर हुआ। तो ये मीनिंग था मेरे भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या कहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहता है कि अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी इस बात का मीनिंग क्या है, देखो यहां एक क्वांटिटी है डिस्टेंस, दो चार्ज है, जितना पास लाओगे फोर्स बढ़ेगा, फोर्स आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आर अगर घटा तो फोर्स बढ़ेगा और अगर आर बढ़ा तो फोर्स कम होगा। यानी डायरेक्टली में तो क्या होता था, एक बढ़ता था दूसरा बढ़ता था, इनवर्सली में क्या होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है और दूसरा बढ़ता है तो ये वाला घटता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है कि जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे, जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स कम लगता जाएगा और जितना डिस्टेंस कम करोगे फोर्स बढ़ता जाएगा। तो ये मीनिंग था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। अगर अब भी किसी को नहीं समझ में आया हो तो एक फॉर्मूला और है मेरे पे, ठीक है। लेकिन अगर उस फॉर्मूले को बताने से पहले मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि भाई वो सब पे अप्लाई नहीं होता, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, उसमें कंडीशन है। तो जिनको अब भी नहीं समझ में आया तो एक और तरीका समझाने की कोशिश करता हूं, आई थिंक इससे तो समझ आ जाएगा। देखो मेरे भाई, अगर मैं ये बात बोलूं, मैं पहले ही बोल रहा हूं ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, दिल पे मत ले लेना, फिर अभी बोलो कि भाई नहीं नहीं हम तो हर्ट हो गए, ये आपने क्या बोल दिया मास्टर जी। मैं पहले ही बोल रहा हूं ये फॉर्मूला कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है, ठीक है। अब क्या है वो फॉर्मूला, ध्यान दे समझो। किसी ने बोला मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रेकअप। हाँ, अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया, ये बात हुई ना मास्टर जी, ठीक है, अब इंटरेस्ट आएगा। तो एक फॉर्मूला मैंने बनाया है, मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लव अपॉन ब्रेकअप। ये मेरा खुद का फॉर्मूला है, थोड़ा सा हमारा नाता रहा है इनसे भी, ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं, मनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लव अपॉन ब्रेकअप। देखो अब इसमें क्या है, मनी जो है वो लव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात का मतलब क्या है कि मनी जितना ज्यादा, मनी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो देखो लव भी बढ़ता जाएगा। एक्सपीरियंस किया है ना, मैं फिर बोल रहा हूं सबके लिए नहीं है, अपने दिल पे मत ले लेना, फिर बोलो कि नहीं मास्टर जी ये क्या बोला, ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। जैसे जैसे मनी बढ़ेगा वैसे वैसे लव बढ़ेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लव, मनी हो गया कम भैया लव भी हो जाएगा कम, जैसे जैसे मनी कम हुआ वैसे वैसे लव कम होता जा रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ कम होता जा रहा है, मनी बढ़ता जा रहा है लव बढ़ता जा रहा है। तो भैया मीनिंग हो गया मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लव, तो ये मीनिंग होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, आया समझ में। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझो, मनी बढ़ता गया, मनी बढ़ता गया ब्रेकअप के चांसेस कम हो गए, होंगे कि नहीं होंगे, अगर मनी बढ़ रहा है तो भाई ब्रेकअप कहां होगा, तो ब्रेकअप के चांसेस कम हो गए, तो ब्रेकअप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मनी, यानी मनी ज्यादा तो ब्रेकअप कम, एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी कम हो गई कि नहीं हो गई। अब मनी हो गई कम ब्रेकअप के चांसेस बढ़ने लगेंगे, भैया पैसा तो बचा नहीं, मनी रही नहीं, ब्रेकअप बढ़ने लगेंगे, ब्रेकअप के चांसेस, तो ब्रेकअप के चांसेस इंक्रीज हो गए। तो यानी मनी हुई कम तो ब्रेकअप के चांसेस इंक्रीज होने लगे, तो मनी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रेकअप। तो समझ आया, ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग।
ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये एक छोटा सा मजाक है, ये फॉर्मूला मेरा खुद का बनाया हुआ है ऐसे ही, तो दिल पर ना लें, ठीक है। तो अब तो भाई समझ आ गया होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, अगर अब भी समझ नहीं आया तो फिर अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, मैंने तो बिल्कुल प्रैक्टिकल अपना फॉर्मूला भी दे दिया। आगे बात कर लेते हैं हम अपने, वापस आ जाते हैं टॉपिक पे, क्या टॉपिक था, हाँ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टॉपिक चल रहा था। तो यहां से पता चल गया भाई कि दो चार्ज जो होते हैं उनमें जो फोर्स लगता है वो उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब तो सीख गए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग, ठीक है। और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डिस्टेंस जितना ज्यादा फोर्स उतना कम, डिस्टेंस जितना कम फोर्स उतना ज्यादा। तो भाई एक फॉर्मूला निकल के आया कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। इस बात को मानते हो, एग्री करते हो, कोई प्रॉब्लम कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्यू वन क्यू टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आपको एक बात बता दूं, जब भी ये साइन है, ये जो साइन है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। जब भी ये साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हटता है मतलब कि इसकी जगह जब इक्वल टू लेता है तो आता है एक कॉन्स्टेंट। क्या बोला, जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटके इक्वल में बदलता है तो आपका एक आता है कॉन्स्टेंट, जिसे बोलते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि ये प्रोपोर्शन हटा तो उसकी वजह से कॉन्स्टेंट आया, उसका नाम होता है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो इस केस में आया के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बदल गया इक्वल में और साथ में लिख गया के, और क्यू वन क्यू टू एज इट इज, आर स्क्वायर एज इट इज। तो फॉर्मूला आ गया F इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है मेरे भाई। फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, फिर से समझ लो, के क्यों आया, के इसलिए आया क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमेशा एक कॉन्स्टेंट आता है, जिसे बोलते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और हमें F इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर कैसे मिला, कूलम्स लॉ से मिला, क्योंकि कूलम्स लॉ में ऐसा कहा गया है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है मेरे भाई। तो आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया, F इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये था आपका कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोला गया है, वियर के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मैंने अभी अभी बोला कि जो के आया यहां पर वो क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी प्रोपोर्शनल का साइन हटने की वजह से एक कॉन्स्टेंट आया, ठीक है, कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट। अब देखो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, जनरल नेम। कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, जनरल नेम। भैया कुछ स्पेसिफिक नेम भी तो होगा, क्योंकि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है, जब भी क्या हटता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कॉन्स्टेंट आता ही आता है, चाहे वो फिजिक्स में किसी भी जगह लगे, तो उसका कुछ नाम तो देना पड़ेगा क्योंकि हर जगह प्रोपोर्शन अलग अलग होते हैं। तो इस केस में, इसके फॉर्मूले के केस में, जो ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्स्टेंट बोला जाता है कौन, के। क्लियर है, के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट। ओके, आगे बात करते हैं, जो ये के होता है इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है। तो इन्होंने बोला वैल्यू ऑफ के डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, यानी आपके दो चार्ज हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, आपके जो दो चार्ज हैं उनमें फोर्स लग रही है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, उसमें जो फोर्स लग रही है कूलम्स लॉ ने बता दिया कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है भाई, कि किस किस पर डिपेंड करेगी, चार्ज पर, डिस्टेंस पर। तो इन्होंने बोला जो ये कॉन्स्टेंट है ना, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस मीडियम में रखे हैं दो चार्ज। अब तुम दो चार्ज रख के कैलकुलेट कर रहे हो फोर्स एयर में, मीडियम हो गया एयर, अब आपने वही दो चार्ज सेम डिस्टेंस में ले गए वाटर में, तो आपका वो क्या हो गया, मीडियम वाटर हो गया। मान लो ले गए तुम किसी केरोसिन ऑयल में, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में वैल्यू ऑफ के बदलेगी, यानी ये कॉन्स्टेंट तो है बट किसके लिए, एक स्पेसिफिक मीडियम के लिए। तो इन्होंने बोला द वैल्यू ऑफ के डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, एक तो के की वैल्यू डिपेंड करेगी मीडियम के नेचर पे, और दूसरा डिपेंड करेगी सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन टू मेजर, यानी जो आपने सिस्टम यूज किया है मेजर करने के लिए किस किस को, फोर्स को, क्यू वन को, क्यू टू को और आर को। इस बात का मीनिंग क्या है कि आपने जो सिस्टम ऑफ यूनिट चूज किया है, इस बात का मीनिंग है, देखो फोर्स न्यूटन में भी होती है, फोर्स डाइन में भी होती है, समझो फोर्स किलो न्यूटन में भी हो सकती है,
अब रही बात चार्ज की, कूलम में भी हो सकता है, स्टेट कूलम में भी हो सकता है चार्ज, यानी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में हो सकता है। रही बात डिस्टेंस की, डिस्टेंस मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मिलीमीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि जो भैया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट है या फिर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, वो मीडियम के साथ साथ इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी यूनिट चूज की है इनको मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए? फोर्स को मेजर करने के लिए, Q1 को मेजर करने के लिए, Q2 को मेजर करने के लिए और R को मेजर करने के लिए। अगर आपने यूनिट बदल दी, मान लो डिस्टेंस की मीटर थी, सेंटीमीटर बदल दी, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी K पर फर्क पड़ेगा। आपने चार्ज की यूनिट बदल दी कूलम से कुछ और, K पे फर्क पड़ेगा। आपने फोर्स की न्यूटन से कुछ और बदल दी, K पे फर्क पड़ेगा। क्लियर है? आया समझ में? यानी K की वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, पहला आपने किस मीडियम में रखा हुआ है, दूसरा आपने क्या यूनिट चूज की है। ओके, अब ये कहते हैं कि अगर मान लो फॉर द टू चार्ज लोकेटेड इन फ्री स्पेस, अगर वो दो चार्ज फ्री स्पेस में रखे हैं, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई दो चार्ज फ्री स्पेस में रखे हैं, यानी कि पहले तो मीडियम फिक्स कर दिया, भैया मीडियम क्या है? फ्री स्पेस, ठीक है। और ऐसा ही यूनिट चूज कर ली, यानी जो ये क्वांटिटी है उनको मेजर करने के लिए क्या चूज किया? ऐसा ही यूनिट। ऐसा यूनिट मतलब फोर्स की रखी है भैया हमने न्यूटन, Q1 Q2 की रखी है, ऐसा यूनिट हमने कूलम होती है रखी क्या है, R की रखी है मीटर। तो अगर आपने दोनों चीज फिक्स कर दी, आपने मीडियम में क्लियर कर दिया भैया फ्री स्पेस है, कैसा है? फ्री स्पेस यानी वैक्यूम है। और आपने ये भी क्लियर कर दिया कि यूनिट क्या क्या है, Q1 Q2 और R की, तो अब बात कर लो K की। तो जो K इक्वल होगा वो होगा 1/4πε0 K। किसके इक्वल होगा? 1/4πε0, यानी कॉन्स्टेंट होगा। अब ये क्या होगा? कॉन्स्टेंट। लेकिन कब? जब मीडियम कैसा है? फ्री स्पेस। यूनिट्स क्या है? सारी की सारी SI। तो के कॉस्ट होगा 1/4πε0 और के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9×10⁻⁹ और यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg². यहां तक बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? कोई डाउट? के की जो वैल्यू आई, जो कि एक कॉन्स्टेंट है, वो कॉन्स्टेंट किसके लिए है? जब आपका मीडियम फ्री स्पेस है और आपने जो यूनिट मेजर करने के लिए लिए हैं वो ऐसा यूनिट्स ली हैं, तब फोर्स को 9×10⁹ न्यूटन, वो के की वैल्यू को 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² बोला गया है। मेरे भाई बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? तो ये बात हो गई के की वैल्यू की। आगे बात करते हैं, यहां पर एक एप्सिलॉन नॉट टर्म आया है। अब इसकी स्टडी करनी पड़ेगी कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो यहां बोला गया है वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसको याद रखना, ये परमिटिविटी है किसकी? एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की। फ्री स्पेस की यानी कि वैक्यूम के अंदर जो परमिटिविटी है उसको डिनोट किया है एप्सिलॉन नॉट से। मैं जानता हूं कि आप लोगों के मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि परमिटिविटी क्या होती है, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको जो डिनोट किया है उसको मैंने समझा दिया कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि भाई परमिटिविटी क्या होती है, तो वो भी अभी डिस्कस करेंगे। तो F इक्वल्स टू क्या होता है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अभी अभी कूलम लॉ से ड्राइव किया था कि F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब आपने K की वैल्यू दे दी 1/4πε0, तो क्या मैं K की जगह 1/4πε0 रख दूं? हां भाई, ये उसी के लिए, वैक्यूम के लिए भी। तो K की जगह क्या लिख दूं? 1/4πε0, ठीक है। K की जगह कौन आ गया? देखो नीचे 1/4πε0 आ गया, Q1 Q2 R स्क्वायर एज इट इज। तो एक और फॉर्मूले का एक्सप्रेशन आ गया नया कि भैया F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर या K की वैल्यू रख दो 1/4πε0 वेयर εo इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो अब बात करते हैं परमिटिविटी क्या होती है या εo क्या है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? अगर एक और चीज, अभी आप जल्दबाजी ना करें नोट डाउन करने की, आपको अगर लग रहा है कि आपको नोट डाउन करना चाहिए तो एक काम करना, मैं इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सीधा वहां से लिंक से आपको PDF मिल जाएगी, आराम से बैठ के नोट कर लेना। फिलहाल अभी समझने पर ध्यान दो, ठीक है भाई। आगे बात कर लेते हैं परमिटिविटी से पहले कुछ और भी बातें कर लेते हैं। अभी जो आपने बोला ना परमिटिविटी क्या होती है उस पर भी आएंगे, उससे पहले कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे 1 कूलम को डिफाइन करो, 1 कूलम का मीनिंग क्या होता है? डिफाइन 1 कूलम। तो 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज डेट रिपेल एन इक्वल
and similar charge with a force of 9 to 10 to the power 9 Newton when placed in vacuum at a distance of 1 meter from it. बहुत से लोगों के समझ में नहीं आया, ठीक है, तो सही भी बात है. देखो आप समझने की कोशिश करते हैं क्या बोला इसने. इसने बोला 1 कूलम क्या होता है, हमसे बोला गया व्हाट इज 1 कूलम या व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम या डिफाइन 1 कूलम. ठीक है भाई, इन्होंने बोला 1 कूलम वो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखने पर, जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस रखने पर एक दूसरे पर जो फोर्स लगाता है वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन की लगाता है. अब आप लोग के मन में आएगा एक सवाल, या आप लोग अब बोलोगे कि आपको कैसे पता कि 9 × 10⁹ न्यूटन की फोर्स लग रही है, कैसे रट लें. तो देखो मेरी बात सुनो, अभी अभी आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था. कूलम्स लॉ ने क्या कहा था, एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर. कूलम्स लॉ ने खुद बोला था, हम तो नहीं कुछ कह रहे, ठीक है भाई. कूलम्स लॉ ने बोला था एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर. अब ये वाली बात हो रही है किसके अंदर, वैक्यूम में. तो याद रखना k की जो वैल्यू होती है वैक्यूम में 1 होती है. आगे डिस्कस करेंगे k को और ज्यादा कि भाई k क्या है. अभी फिलहाल k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, वैक्यूम में इसकी वैल्यू क्या है 1. तो k तो आपका हट गया. तो जब आपका k हट गया तो बचा q1 q2 by r स्क्वायर. अब चलो नेक्स्ट समझते हैं 1 कूलम को. तो डिफाइन 1 कूलम. तो 1 कूलम क्या होता है, तो देखो 1 कूलम का मतलब क्या होता है, 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपेल एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विद अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन व्हेन प्लेस्ड इन अ वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट. यानी कि ये कह रहे हैं कि 1 कूलम वो अमाउंट होता है चार्ज का जो कि 1 कूलम वो अमाउंट होता है चार्ज का जो कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स है 9 × 10⁹ न्यूटन इसके इक्वल होता है. लेकिन कब, जब दोनों चार्ज कितनी दूर रखे हों, 1 मीटर रखे हों. ठीक है भाई, अब इस बात को समझते हैं कि भाई 1 कूलम को उन्होंने कैसे डिफाइन किया. 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपेल एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विद अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट. तो ठीक है कि जो दो चार्ज है, ठीक है, उनके बीच में अगर 9 × 10⁹ न्यूटन की फोर्स लग रही हो और वो 1 मीटर पर रखे हो तो हम कहेंगे वो 1 कूलम के चार्ज है. अब आपके मन में आएगा कि आप में कैसे पता कि यानी 1 कूलम के दो चार्ज 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखने पर 9 × 10⁹ न्यूटन की फोर्स ही एक्सपीरियंस करेंगे. तो ध्यान से समझना, कूलम्स लॉ आपने पढ़ा था, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो अब इस बात को प्रूफ करते हैं कि भाई फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन ही आएगी. अब एक बात बताओ कि आपको चार्ज कितना रखना है, यूनिट 1, ठीक है, 1 कूलम. क्यू टू भी कितना है, 1. तो चार्ज कितने हैं, 1 कूलम. तो आपने पुट कर दिया क्यू की जगह 1, क्यू टू की जगह 1. कितनी दूरी पर रखे हैं, 1 मीटर यानी 1 का स्क्वायर. तो यहां से आप साफ साफ देख सकते हो कि एफ इक्वल्स टू कितना आ रहा है, एफ इक्वल्स टू आपका आ रहा है के. आपका जो एफ इक्वल्स टू है वो कितना आ गया, के. और अभी अभी आपने के की वैल्यू देखी थी, के की वैल्यू कितनी आई थी वैक्यूम में, 9 × 10⁹. तो मैं क्या कह सकता हूं कि जब क्यू वन को 1 रखा, जब Q2 को 1 रखा, जब R को 1 रखा, तो जो K की वैल्यू हुई वो F के इक्वल हो गई. और K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन, तो F की वैल्यू भी कितनी हो गई, 9 × 10⁹ न्यूटन. यानी कि जो फोर्स होता है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के इक्वल हो गया. तो इसलिए इन्होंने बोला कि अगर दो चार्ज है, ठीक है, अगर वो 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं और उनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो 9 × 10⁹ न्यूटन की लग रही है, तो वो दोनों चार्ज 1 कूलम के होंगे. तो वही डिफाइन किया गया 1 कूलम. क्लियर है, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्यों पढ़ रहे हैं, देखो कूलम्स लॉ में किसकी स्टडी की गई है, कूलम्स लॉ में स्टडी की गई है मेरे भाई फोर्स की. कूलम्स लॉ में किसकी स्टडी की गई है, फोर्स की. तो कूलम लॉ में जब फोर्स की स्टडी की गई है तो हम सब जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि डायरेक्शन भी तो होता होगा फोर्स का. और जब डायरेक्शन होता होगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि फिर उसके डायरेक्शन की बात ना की जाए. यानी कि अब हमें कूलम्स लॉ ही पढ़ना है. क्या पढ़ना है मेरे भाई, कूलम्स लॉ ही पढ़ना है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है. यानी कूलम्स लॉ तो वही रहेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, लेकिन हमें विद डायरेक्शन बताना है. तो अब हम पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. क्लियर है, ठीक है. तो हमने माना दो पॉजिटिव चार्जेस है, कंसीडर टू पॉजिटिव चार्जेस, एक Q1 और एक Q2,
ठीक है आगे बढ़ते हैं. Placed in vacuum, कहाँ place किए गए हैं? Vacuum में place किए गए हैं at a distance r from each other. Diagram देख सकते हो, Q1 positive charge है, Q2 positive charge है. कितनी दूरी पर रखे हैं? ये रखे गए मेरे भाई r distance पे. कितने distance पे? r distance पे. ठीक है. They repel each other, एक दूसरे को repel कर रहे हैं. यानी Q1 Q2 को इधर repel कर रहा है, arrow बना हुआ है, और Q2 Q1 को इधर repel कर रहा है. यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल क्लियर है. एक Q1 पॉजिटिव चार्ज है, एक Q2 पॉजिटिव चार्ज है. R दूरी पर रखे गए हैं. Q2 इसे इधर भगा रहा है, एरो बन रहा है. Q2 इधर भाग रहा है, Q1 की वजह से एरो बन रहा है. अब इन पर लगने वाली फोर्स की स्टडी करते हैं, ध्यान से समझना. मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? F12. अब ध्यान से समझना, F12 का मीनिंग क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1. देखो जो पहले लिखा हुआ है ना 1, जो क्या लिखा हुआ है 1, इसका तो मीनिंग है कि चार्ज 1 पे लगने वाली फोर्स. और जो दूसरी बार में लिखा है, जैसे देखो F12 लिखा है मैंने और एक जगह लिखा है F21, पहले इनका मीनिंग समझ लो फिर तुम्हें अच्छे समझ आएगा. F12 का मीनिंग है कि जो 1 है जिसपे के फोर्स लग रही है, जिसपे फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है, ध्यान रहना, फोर्स लग रही है. और 2, जो फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है. बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? तो F12 का मतलब क्या है? जिस पे फोर्स लग रही है, यानी फोर्स ऑन चार्ज 1. और 2 क्या है? जो फोर्स लगा रहा है, ड्यू टू फोर्स 2. तो सेम यहां पे F21 का मीनिंग क्या हो गया? फोर्स ऑन चार्ज Q2, यानी 2 पे लगने वाली फोर्स. कौन लगा रहा है? इसके बाद वाला 1. ठीक है, F12 और F21 क्लियर हो गया. पहले डायग्राम देख लो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अच्छे से देख लो. फिर से एक बार बता दे रहा हूं, Q1 Q2 दो चार्ज है, Q1 भी पॉजिटिव Q2 भी पॉजिटिव. Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाई, भैया दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा. ठीक है, Q1 ने Q2 को रिपेल किया कितनी फोर्स से? F21 फोर्स से. कितनी से? F21, यानी फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1. तो F21 क्लियर है. इधर आ जाओ, Q2 ने Q1 को रिपेल किया कितनी फोर्स से? F12, यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 यानी Q1 ड्यू टू Q2, यानी Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाई. तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो वही लिखा F12, यानी 1 जिस पे फोर्स लगी, 2 यानी कि जो लगा रहा है. तो F12 का मीनिंग समझ में आ गया, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2. क्लियर है? ठीक है, डायग्राम देख लो, आगे बढ़ते हैं. तो अब इन्होंने वही यहां पे लिखा वेक्टर फॉर्म के अंदर, F21 का मीनिंग क्या है? मैंने भैया लिख के दिखा दिया, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, यानी F21 कह रहा है कि जो 2 पर फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, आप लोगों ने अभी देख ही लिया था, जो 2 पर फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, F21. ठीक है, आगे बात करते हैं, क्या बोल रहा है, कितनी फोर्स होगी? तो भैया फोर्स तो उतनी होगी, 1/4 πε0. ε0 क्यों आया? क्योंकि वैक्यूम की बात हो रही है. ठीक है, Q1 Q2 भाई RS पर. अब आप कहोगे ये तो वही है जो पहले पढ़ाया था. नहीं, यहां हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा, और डायरेक्शन बताने के लिए आ चुका है ये. बात क्लियर हुई? यहां पे हमने बोला था 1/4 πε0 Q1 Q2 भाई R स्क्वायर, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया था. यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? डायरेक्शन की, R12 का कैप. अब आप लोगों ने 11th पढ़ा होगा कि R12 कैप यूनिट वेक्टर जो होता है, जो यूनिट वेक्टर होता है उसका काम होता है बस डायरेक्शन बताना, वो मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं डालता. तो R12 क्या है? वेयर R12 इज, R12 वेक्टर बाई R, यानी मैग्नीट्यूड हो गया 1, जो R12 है उतना ही R डिवाइडेड बाई 1, यानी मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता. भाई मैं यहाँ पे वेक्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आपको वेक्टर अच्छे से पता होगा, बस थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ. R12 यूनिट वेक्टर है, यानी मैग्नीट्यूड तो होगा 1, तो मैग्नीट्यूड की टेंशन हटा दो, सिर्फ डायरेक्शन होती है, विच इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Q1 Q2, यानी R12 बता रहा है कि डायरेक्शन कहां से कहां है? Q1 से Q2 की तरफ, डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2. क्लियर है? यानी R12, फिर से बता रहा हूं, फिर से ध्यान से समझना, R12 बता रहा है डायरेक्शन को Q1 से Q2. डायग्राम में देख लो, R12 किधर हो गया? इस तरफ, Q1 से Q2, तो ये वाली डायरेक्शन बोल दी इन्होंने R12. ठीक है, ओके, तो ये डायरेक्शन बता दी. तो हमने कैसे लिख दिया? F = 1/4 πε0 Q1 Q2 r² R12 का कैप. क्लियर है? ये आपका कूलम्स लॉ से आया था, नॉर्मल है. R12 ने बोल दिया डायरेक्शन है भैया इधर फोर्स की. ठीक है, तो ये डायरेक्शन के लिए आया. सिमिलरली F12 क्या था?
F12 क्या था डायरेक्शन में देखो, F12 क्या था, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो अब डिस्टेंस कौन सा वाला होगा R21, तो वही लेते हैं। तो देखो यहां पे कैसा लिया हमने, F12 कितना हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये तो सेम ही है, कूलम्स लॉ ने पहले बता रखा है कि दोनों में बीच में कितनी फोर्स लगती है, वेक्टर फॉर्म में हम सिर्फ इनका डायरेक्शन लिख रहे हैं, R21 का कैप यानी 2 से 1 की तरफ, ये डायरेक्शन हो गया। ये भी क्या है, यूनिट वेक्टर, वेयर R21 इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज Q2 टू Q1, यानी Q2 से Q1 की जो डायरेक्शन है, यानी कहने का मतलब है एक डायरेक्शन डिस्टेंस की ये वाली है और एक डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है, जब वेक्टर की बात आती है तो फर्क पड़ता है, एक डायरेक्शन ये वाली है दूसरी डायरेक्शन ये वाली है, क्लियर है। तो वेक्टर फॉर्म में सिर्फ और इसका फर्क आ गया, डिस्टेंस हमने बता, वो डायरेक्शन हमने बता दी, एक की R12 यानी एक फोर्स लग रही है इस तरफ, एक फोर्स लग रही है इस तरफ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इंपोर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं, यानी वेक्टर फॉर्म से हमें क्या फायदा मिला, वेक्टर फॉर्म से हमें क्या फायदा मिला, तो पहली बात करते हैं, कुछ हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई। अब एक बात बताओ, फिर से बना देता हूं डायग्राम, ये मेरा डिस्टेंस था आर, ठीक है, अब मैंने एक माना था आर वन टू, क्या माना था, इस डायरेक्शन में, और एक माना था मैंने आर टू वन इस डायरेक्शन में, क्लियर है, वही तो माना था, यहां पे क्यू वन चार्ज था, यहां पे क्यू टू चार्ज था, तो भैया आर डिस्टेंस था वो तो ठीक है, लेकिन डायरेक्शन ही बतानी थी, तो वन टू आर वन टू आर टू वन। अब एक बात बताओ, ये दोनों डिस्टेंस सेम है कि नहीं है, चाहे मैं यहां से यहां तक ऐसे जाऊं, चाहे मैं यहां से यहां तक ऐसे आऊं, फर्क दोनों, अगर मान लो तीन मीटर है, अगर ये मान लो तीन मीटर है, तो भैया ऐसा तो नहीं, अगर यहां से यहां जाऊंगा तो चार मीटर होगा, यहां से यहां जाऊंगा तो दो मीटर होगा ना, अगर दोनों पॉइंट फिक्स हैं तो दोनों का आने जाने का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, सेम, फर्क किस बात का है, डायरेक्शन का। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक होगा इधर आओगे तो माइनस तीन और इधर जाऊंगा तो मैं बोलूंगा प्लस तीन, तो वही डायरेक्शन उन्होंने बोला कि R12 R21 सेम है, लेकिन R12 नेगेटिव होगा R21 के, क्लियर है, तो यहां पे वही बोला है R21 इक्वल्स टू होगा नेगेटिव ऑफ R12, यानी अगर मान लो R12 इस तरफ पॉजिटिव लिया आपने तो इस तरफ वाला नेगेटिव होगा, तो वही ले लिया R21 ले लिया इक्वल्स टू किसके R12 के नेगेटिव, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है सिर्फ डायरेक्शन, तो इनका फोर्सेस भी क्या होंगे नेगेटिव, यानी F21 इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ F12। तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समझ में आया कि वो कंक्लूजन ये समझ आया कि दो चार्ज हों वो इक्वल फोर्स लगाते हैं पर डायरेक्शन अलग अलग होती है, कब, जब दोनों सेम चार्ज हों, यानी एक फोर्स लगाता है इधर तो एक फोर्स लगाता है इधर, एक इधर तो एक इधर, यानी कि क्या होता है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, तो वही आएगा F21 इज इक्वल टू F12, क्लियर है। ये वैल्यू कैसे आ गई थोड़ा सा बता देता हूं, अब देखो एक काम करो R21 की जगह पे, अब ये तो प्रूफ हो ही चुका ना कि R12 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R21, तो जहां पे R21 लिखा है यहां क्या लिख सकते हो माइनस का R12, तो जब नेगेटिव आगे आ जाएगा तो सेम बन गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R12, ये भी R12 ये भी R12, तो इस दोनों फोर्स को क्या लिख सकता हूं मैं, दोनों को सेम लेकिन नेगेटिव, तो इसीलिए अगर इसको F1 मानूं इसको F2 मानूं तो क्या आ जाएगा F2 इज इक्वल्स टू माइनस का F1, क्लियर है मेरे भाई। अगर फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, फिर से वीडियो लेके आ जाऊंगा एक और नई इसी टॉपिक पे, अगर नहीं समझ में आया हुआ तो, ठीक है। तो इसका मैं कंक्लूजन बता देता हूँ, जो अब तक पढ़ा कंक्लूजन ये था कि कूलम्स लॉ होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बोला वेक्टर फॉर्म चाहिए, वेक्टर फॉर्म क्यों चाहिए, वेक्टर फॉर्म इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें डायरेक्शन बताओ, फोर्स लग रहा है वो ठीक है पर किधर लग रहा है, डायरेक्शन क्या है, तो ये दोनों डायरेक्शंस भी लेके आ गए। फिर इन्होंने कहा भाई कूलम्स लॉ से एक फायदा हो गया, अब उसका फायदा गिनाने लगे, कूलम्स लॉ से ना फायदा ये हो गया, इन्हें पता चल गया कि दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अब आपको वो तो पहले भी दिख रहा था अपोजिट फोर्स अलग अलग डायरेक्शन लग रही है, लेकिन भाई प्रूफ करना था ना, समझ रहे हो ना, प्रूफ तो करना ही था कि ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स में नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, प्रूफ तो करना था ना, वो प्रूफ तो तभी हुआ जब वेक्टर फॉर्म की स्टडी की, ठीक है भाई। एक तो ये इंफॉर्मेशन मिली, दूसरा कोलंबियन फोर्स ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी एक और चीज पता चली, जो कोलंबियन फोर्स होती है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करती है, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करती है, इस बात का मीनिंग क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है,
टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन. आप किसी पे फोर्स लगाओगे वो आप पे फोर्स लगाएगा, आप किसी पे फोर्स लगाओगे वो आप पे लगाएगा. तो कूलम्बियन फोर्स ही तो यही कर रही है, एक इधर फोर्स लगा रही है दूसरी इधर. तो इसका मतलब कूलम्बियन फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ को भी ओबे करती है, यानी न्यूटन के थर्ड लॉ को भी मानती है कि न्यूटन का थर्ड लॉ एग्जिस्ट करता है. ठीक है, क्योंकि कूलम्बियन फोर्स में तो वही हो रहा है, एक फोर्स इधर दूसरी फोर्स इधर, टू एवरी एक्शन दे यानी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. क्लियर है? तो ये आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा वो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि भाई कूलम्स लॉ क्या है, फिर हमने देखा वेक्टर फॉर्म क्या है कूलम्स लॉ की, और इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म पढ़ा. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच.